हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। देखिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस पैंडेमिक के बाद से खासकर इस साल से शुरू हुआ है कि एक ही दिन में दो बिग फिल्म रिलीज नहीं हो रहा है, लेकिन ये फिर भी हो रहा है कि एक दिन में दो फिल्म रिलीज हो रहा है। जैसे आप सोच लीजिए कि गदर 2 के बारे में, जो 11 अगस्त को आने वाला है। गदर 2 पहले अनाउंस किया गया था, उसके साथ था आपका एनिमल, लेकिन एनिमल पोस्टपोन हो गया, लेकिन जो ओ माय गॉड 2 उसके उसी दिन अनाउंस कर दिया गया कि रिलीज होगा। अब सोचिए कि एनिमल को पोस्टपोन करके लेकर गया है 5 दिसंबर को, और उसी दिन को विकी कौशल का फिल्म पहले से ही अनाउंस हुआ था। उन्होंने विकी कौशल की मतलब फिल्म पहले से ये तय था कि उस दिन रिलीज करे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दोनों फिल्म एक साथ रिलीज नहीं हो रहा है, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं सारे प्रोड्यूसर एक दूसरे से बात करके कि एक ही दिन में बिग फिल्म रिलीज ना हो। लेकिन ऐसा हो गया कि करण जौहर का जो फिल्म है जोधा, जो इसमें प्रोड्यूसर है, वो पहले 7 जुलाई को आने वाला था। उसके बाद वो पोस्टपोन होके हो गया था आपका 15 सितंबर को, फिर वो पोस्टपोन होके हो गया था 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर को कुछ दिन पहले करण जौहर ने अनाउंस किया था कि जोधा 15 दिसंबर को आने वाला। लेकिन जो कल ही ये जो मेरी क्रिसमस फिल्म है, जो फिल्म एक्चुअली की इसमें है आपका कैटरीना का, विजय सत्यपतु है, फिर राधिका आप्टे, राघवन का जो मतलब डायरेक्टर है और टिप्स इसका प्रोड्यूसर है, तो उसने अनाउंस किया कि 15 दिसंबर ये फिल्म रिलीज होगा। देखिए, ये फिल्म तो पहले पैंडेमिक के टाइम से ही रिलीज होने के लिए रेडी था। मेरी क्रिसमस ये इसका नाम है, तो नॉन नेचुरली क्या होगा, क्रिसमस के टाइम पे जो आएगा। पहले ये जो फिल्म था ये 2020 मतलब लास्ट ईयर क्रिसमस के टाइम पे अनाउंस हुआ था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये फिल्म पोस्टपोन कर दिया गया। तो नेचुरली ये फिल्म इस साल भी 22 दिसंबर को रिलीज होने के लिए तय था, लेकिन उस दिन डाउन किया गया, तो वो लोग थोड़ा पीछे करके 15 कल ही अनाउंस किया था 15 दिसंबर को रिलीज होगा। तो इसलिए करण जौहर को गुस्सा आ गया, कह रहा है कि एक दूसरे के साथ एक फोन कॉल नहीं कर सकता है कि इस मतलब पैंडेमिक के बाद जब लोग हॉल में नहीं आना चाह रहा है, तो इस टाइम में एक दूसरे के साथ बात करके अगर ये फिल्म कुछ इधर उधर कर सकते हैं मतलब डेट, तो बेहतर होता है एक दूसरे के लिए। लेकिन बात वो नहीं है, बात क्या है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जब अपने जो साथ में लग जाता है, जब अपने लग जाता है तभी ये बात करते हैं। लेकिन देखिए, कई सारे ऐसे छोटे छोटे फिल्म को बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस कहा जाता है कि उन लोगों के दिन पहले से ही तय होता है, लेकिन उसी दिन में वो लोग अनाउंस करने के बाद अनाउंस करता है, तो इस वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ता है। ऐसे कई बार हुआ है, जैसे आप लोग लीजिए ये फुकरे थी के साथ बिल्कुल ऐसा हुआ है कि वो पहले से ही तय था कि आपका ये जो फिल्म था ये 7 सितंबर को आने वाला था, जिस दिन जवान आ रहा है। तो फुकरे थी जैसे ही जवान उस दिन अनाउंस कर दिया, फुकरे थी को पोस्टपोन करके पीछे ले गया, अब नवंबर में रिलीज हो। तो ऐसे कई सारे फिल्मों के साथ ऐसा होता है, ये नेचुरल बात है। और जैसे ही बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस एक दूसरे के साथ तगड़े थे, तो जो थोड़ा कमजोर होता है मतलब जिसका फिल्म थोड़ा कमजोर होता है, उनको लगता है कि ये फिल्म किसी के साथ अगर कंपैरिजन में आ जाए तो अच्छा नहीं चलेगा, वो इस तरह से बात करते हैं, जो करण जौहर की बातों से रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से और जिस तरह से मतलब जाना जा रहा है कि जोधा फिल्म उस लेवल का नहीं है, क्योंकि जब से ये मेरी क्रिसमस का जो कल पोस्टर आया था, लोगों के मन में काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हो गया। ऐसे तो इसमें काफ़ी स्टार कास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, विजय सत्यपतु के साथ कैटरीना कैफ और सीरा राघवन जो है वो थ्रिलर बनाने में माहिर है, और इसमें संजय कपूर भी है, राधिका आप्टे भी है, तो इसके टिप्स इसका प्रोड्यूसर है, तो नेचुरली इसका रिलीज भी बिग होगा, तो काफ़ी टक्कर होने वाला है जोधा के साथ। इसी वजह से शायद करण जौहर ने इस बात कहा कि पहले से फोन कॉल नहीं कर सकते थे, लेकिन वो कभी पहले से फोन कॉल दूसरे को नहीं करता है कि जब छोटे छोटे फिल्मों के पहले से डेट तय होता है और उस दिन उसको और इसकी फिल्में उस दिन रिलीज किया जाता है। तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से ये जो बात क्या है उसने वो बिल्कुल सही नहीं है। पहले सबके साथ अगर ये सेम फॉर्मूला सबके साथ ही अप्लाई होना चाहिए, छोटे प्रोड्यूसर के साथ, छोटे फिल्मों के साथ और एंड इवन बड़े फिल्मों के साथ भी। सिर्फ बड़े फिल्मों के जब एक दूसरे का टकराए, फोन में बात करें और आपस में तय कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि छोटे फिल्मों के साथ भी होना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोग मेरे साथ सहमत है या नहीं। अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।